मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करें। पारसनाथ पहाड़ को बचाने की यात्रा पर निकले सैंगल अभियान के सालखन मुर्मू पहुंचे धनबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीबू सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। पारसनाथ पहाड़ को बचाने की यात्रा पर निकले सैंगल अभियान के सालखन मुर्मू धनबाद पहुंचे। उनकी यात्रा का नाम मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा है। यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर से इसी माह 17 जनवरी से हुई थी। यात्रा में सालखन के साथ सुमित्रा मुर्मू भी शामिल हैं। दुमका और गिरिडीह के बाद आज धनबाद पहुंचे। यह यात्रा 28 फरवरी तक जारी रखा जाएगा। धनबाद पहुंचे सालखन मुर्मू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपनी यात्रा को लेकर सालखन मुर्मू ने पत्रकारों से कहा कि इसका नाम मरांगबुरु भारत यात्रा है। इसके तहत झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में आदिवासी बहुत इलाके में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी समाज से कहा जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांगबुरु है। सेंगल अभियान ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह पहाड़ आदिवासियों के लिए राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मक्का मदीना और वेटिकन सिटी जैसा है, जिसे हेमंत सरकार ने बेचने का काम किया है और भारत सरकार को यह लिख कर दिया। इस पर सिर्फ जैनियों का अधिकार है। इसके अलावा सालखन मुर्मू ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों का विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग झारखंड की जनता को खतियान आधारित 1932 की नीति पर बरगला कर बेवकूफ बना रहे हैं। इससे अच्छा है कि प्रखंड स्तरीय नियोजन नीति लाए और स्थानीय बेरोजगार को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र प्रेषित कर इन मांगों के बारे में जानकारी दी गई है। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर 11 फरवरी से तिलका मुर्मू की जयंती के अवसर पर पूर्वी भारत के 5 राज्यों में अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। का खामियाजा यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार को भुगतना पड़ रहा है। अब बेरोजगारी का दंश इतना मने कठोर है कि लोगों में बहुत आक्रोश है। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी संघल अभियान के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की तरफ से एक प्रस्ताव है, एक फॉर्मूला है कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के दे दिया जाए। जो प्रखंड थोड़ा बड़ा होगा उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा और उस प्रखंड वार आवंटित कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना है और उसमें खतियान की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी स्थानीय प्रखंड के निवासियों को स्थानीय माना जा सकता है। उसमें फिर उस प्रखंड में एसटी एससी ओबीसी की जातीय आबादी का अनुपात जैसा है उस हिसाब से उसको बांट दीजिए। ऐसा करने से स्वाता स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति का समायोजन हो जाएगा और 2-3 महीनों के भीतर सारी नौकरियां गांव के लोगों को मिल जाएगी। 10% नौकरी शहर के लोगों को भी दे देना है और एक खतियान उतियान का झमेला नहीं रखना है। चूंकि हेमंत सोरेन सरकार ने भी 2019 से एक खतियान का झुनझुना बजाया हुआ है, लोगों को ठगने का काम है, अभी भी राज्यपाल महोदय ने उसको वापस कर दिया। पहले भी 2002 साल में 27 नवंबर को बाबूलाल मरंडी जी ने भी 32 का ही खतियान लाया था, उसको भी रिजेक्ट किया गया है। तो ये सरकार जो हेमंत सोरेन साहब का है ये, लेकिन वो चाहती नहीं कि लोगों को रोजगार मिले, ये 32 का खतियान को लेकर झुनझुना बजाते रहता है वोट के लिए, ये ईमानदार सरकार नहीं है। तो ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़ पर बबेला
5 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है, जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि उस पहाड़ पर केवल जैन धर्मावलंबियों का अधिकार है, उनका तीर्थ स्थल है, तो हम आदिवासियों का क्या होगा? पारसनाथ पहाड़ को हम लोग मारंग गुरु कहते हैं, माने ईश्वर है हमारा, तो सरना धर्म का क्या होगा, हमारी धार्मिक आस्था विश्वास का क्या होगा? तो एक प्रकार से एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने हम आदिवासियों के ईश्वर को, धर्म को, पहाड़ को बेच दिया, महापाप किया। तो इसके खिलाफ 10 जनवरी को वहां महाजुटान हुआ पीटान में, उसके बाद 17 जनवरी से हम लोग मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू किए हैं जमशेदपुर से। आज विश्व दिन है, हर एक 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के 5 राज्य के 50 जिलों में हम लोग जाकर जनता को जागृत कर रहे हैं, ये जो हेमंत सोरेन सरकार है आपके ईश्वर को बेच दिया है। और इसके पिताजी रेशम गुरु शिबू सोरेन पहले 3.5 करोड़ रुपयों में नरसिम्हा राव को 1993 में झारखंड बेच दिया। और जेएमएम का एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री अभी गोटा जिला में एक गांव है तालझारी, उसको कोयला खदान के नाम से बुलडोजर लगा के बेच दिया है। वहां का लोकल एमएलए है लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम, लोकल एमपी है जेएमएम का ही विजय हंसता, और मुख्यमंत्री भी आदिवासी हेमंत सोरेन। तो जेएमएम पार्टी एक प्रकार से आदिवासियों का गला घोटने का काम कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ है। उसी प्रकार ईसाई धर्म गुरु भी, ये लोग भी आदिवासी को ईसाई बनाते हैं, बिहारी, बंगाली, उड़िया को तो बना नहीं पाते हैं, तो ईसाई बनाने से आदिवासी का जो जड़ है धर्म संस्कृति का, उससे लोग कट जाते हैं और ये लोग गुलाम जैसे बन जाते हैं। तो ईसाई धर्म गुरु को भी हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम आदिवासियों को कमजोर कर रहे हैं। और आखिरी चीज है कि ये हर एक आदिवासी गांव में एक माझी अड़म बोलते हैं, आदिवासियों का जो स्वशासन का हेड है ग्राम प्रधान, ये लोग वंशानुगत नियुक्त होते हैं, तो अधिकांश अनपढ़ पियकड़ संविधान कानून नहीं जानने वाले होते हैं, और इसीलिए गांव गांव में नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हणिया दारू चखना रुपयों में बेचने की प्रवृत्ति है। इसका फायदा जेएमएम लेता है, बाप बेटा 5 बार बाप बेटा सीएम बना, ना आदिवासी को नया अधिकार दिलाया, ना समाज सुधार किया, अब तो ये लोग नौकरी भी बेच रहा है, सीएनटी एसपीटी भी बेचा ये लोग, और संताली भाषा को यहाँ राजभाषा बनाना चाहिए, तो उसके खिलाफ ये लोग उर्दू भाषा को आगे बढ़ाता है। तो जेएमएम के भी खिलाफ है हम लोग, और ईसाई धर्म गुरु के भी, और मझियाड़ा हम लोग को एक विश्वास है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, पहली बार 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और उसको बनाने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि हमको जेएमएम से बचना है, आदिवासी को बचाना है, तो कोई ना कोई एक बड़ी राजनीतिक ताकत का सहयोग लेना पड़ेगा। तो 2024 के पहले हम लोग की मांग है कि 2023 में सरना धर्म कोड अर्थात प्रकृति पूजक आदिवासियों का धर्म मान्यता दिया जाए, मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने घोषणा कर दिया है 11 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, पूर्वी भारत 11 फरवरी से पैरालाइज हो जाएगा।